ओहो क्या बात है। मैं पहले बहुत सारे कबूतर पालता था घर पे, लेकिन उस वक्त मतलब मैं छोटा था। अभी तो पता चल गया कि कबूतर घर कितना गंदा करते हैं, तो वो मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मैंने पैरोट पालना शुरू किया था, लेकिन बाद में वो भी मैंने बंद कर दिया। सो बस अभी यहाँ थे, यहाँ पे ये वाली बिल्डिंग पे, यहाँ पे सैलून है, लेडीज़ सैलून, जेंट्स सैलून। तो मेरी वाइफ को जो अभी आईब्रो कटिंग करवाना था, तो इसलिए हम लोग अभी यहाँ पर आए थे। तो अभी जैसे ही मेरी वाइफ आईब्रो कटिंग करवा लेती है, उसके बाद हम लोग लॉन्ग ड्राइव करने निकलने वाले हैं। और आज लेके निकले क्लासी 350। तो लो जी, वो लोग आ गए अभी। बच्ची भी गई थी, उसको भी साथ में वहाँ पे जाना था, तो वो भी गई थी अपने मॉम के साथ। और ये रही, करा दी आईब्रो कटिंग। कितना वेट करवाया? तो क्या वेट करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो निकलते हैं लॉन्ग ड्राइव करने के लिए। चलो चलिए। क्या? न्यू सैंडल। तो ये देखिए न्यू सैंडल, जो मेरा साला हितेश है ना, वो मुंबई से लेके आया था। लालबाग का राजा गणपति देखने गया था मुंबई, तो मुंबई रिटर्न आने के वक्त वो मेरी बच्ची के लिए सैंडल लेके आया था, जो बहुत ही खूबसूरत है। तो आज उसने फर्स्ट टाइम पहन के बाहर निकली है वो। फाइनली गाइस, हम लोग यहाँ पे रुके हैं अभी मछलियों को खाना खिलाने के लिए। वहाँ पे बहुत सारी फिश है, तो अभी हम लोग इतने बजे हर वक्त आते हैं और मछलियों का खाना खिलाते हैं। हमारी जो गोल्ड फिश थी ना, तो उसका खाना हमारे घर पे बाकी रह गया था, और जो गोल्ड फिश थे ना, वो मेरा फ्रेंड सुबह थे उसको घर पर भेज दिया था, उसको दे दिया था, लेकिन उसका जो खाना था ना वो हमारे पास था। तो अभी बहुत सारा खाना बाकी है, तो यहाँ पर जब भी यहाँ से क्रॉस होते हैं ना, तो ये मछलियों को खाना खिला के जाते हैं। तो अभी ये लोग का खाना खिला रहे हैं, देखो और कैसे दुपट्टे बांधे दोनों ने, वो उनका हेयर बिगड़ना जाए इसलिए। वैसे तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ, जब भी बाइक राइड करता हूँ ना, तो ऊपर रुमाल पहन लेता हूँ, तो क्या वो अपने हेयर है ना, वो ज़्यादा मिट्टी वाले, धूल मिट्टी वाले हो ना। यहाँ से भी छोटी कैनल जाती है इस तरफ, छोटी सी कैनल, और यहाँ से अंकोड़े कैनल का रोड है। आज क्लास 350 लेके निकले थे। चार डॉल वाला नहीं, कुछ भी डॉल बॉल कुछ भी नहीं। ये देखिए हम लोग कहाँ पे आ गए। तो अभी हम लोग आए ओसिया हाइपर मॉल में, और मुझे लेना है। बस कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए अभी हम यहाँ पे आए हैं। और क्या तुमको शॉपिंग करनी थी? अच्छा, अभी जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, मिलता है। ओके, बहुत सारे टॉयज मेरी बच्चे ने देख लिया वहाँ पे। आई लाइक कलरिंग शेप्स, कलरिंग शेप्स वाली बुक है। और ये रहा ऊपर का डिपार्टमेंट, स्नेल वाली। अच्छा नहीं, अभी नहीं लेनी है। वो सेकंड फ्लोर पे ये वाला व्यू मिलता है ऊपर से। ओ, क्या बात है। ये वाली सालों से भी ये थर्ड फ्लोर पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे सब कपड़े की वैरायटी है थर्ड फ्लोर पे। क्या कैमरा में रिकॉर्ड हो गया सब कुछ, बच्ची कैसे मस्ती कर रही है देखो। तो ये रहा पीछे ओसिया हाइपर मॉल,
तो बस अभी ऊपर गए थे, सामान वामान लिया, शॉपिंग वॉपिंग की, अभी बाहर निकल गए हैं। अच्छा जल्दी फ्री हो गए, वरना मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे एक घंटा हो जाएगा, लेकिन नहीं, हम लोग फटाफट यहाँ पे फ्री हो गए। रुको मैं एक बार आपको ये मॉल बता देता हूँ। तो मैं ना मतलब एक तो बाइक का जो रिलेटेड कंटेंट था वो मैंने बर्न कर दिया, अभी ट्रैवल वाला कैटेगरी ब्लॉग चालू किया है, लेकिन वो भी ट्रैवलिंग वाला ब्लॉग अभी थोड़ा आने में थोड़ा टाइम लगेगा, और ट्रैवलिंग का ब्लॉग रखते रखते मैं साथ में है ना डेली ब्लॉग भी रखने वाला हूँ, मतलब डेली ब्लॉग जैसा जो हर कोई यूट्यूबर करता है, उस तरह से मैं अपनी पर्सनल लाइफ बताने वाला हूँ आपको। तो अभी तो डेली ब्लॉग के ऊपर कुछ व्यू नहीं मिल रहा, लाइक भी नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। तो और आपको कैसा लगता है मेरे डेली ब्लॉग वो कमेंट करके जरूर बताना, तो मुझे पता चले कि मैं डेली ब्लॉग करूँ या ना करूँ। अभी शाम का नज़ारा है, अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, कल हम लोग शाम के 6 बजे के आसपास हम लोग कोटना बीच पे थे और आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। फाइनली गाइस हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे बड़ी सिस्टर कुछ लहसुन साफ कर रही है, मम्मी यहाँ पे मोबाइल गेम खेल रही है, ये कौन सी गेम है, अच्छा, और ब्रदर्स बाहर खेलने गया है, और ये क्या करी गुड़िया तू, कलरिंग कर रही है, ये कौन सी डॉल है, सिंड्रेला, और मेरी वाइफ फ्री होके अभी खाना बना रही है। आज हम लोग जब शॉपिंग करने गया था ना, तो शॉपिंग करने के बाद उसने ये कौन सा खीर है, ढोकड़ा का खीर, उन्हें तो उसने ढोकड़ा का खीरा लिया था और साथ में इडड़ा का भी लिया था, और उसके साथ क्या बना रही हो, खिचड़ी, मसाला खिचड़ी, क्या बात है। तो आज का ये कुछ हमारा डिनर है, तो कल तो हम लोग बहुत ही बाहर घूमे थे, मतलब जब कोटना बीच घूम के आया था उसके बाद इंदौर बीच मॉल गए थे, वहाँ पे नाश्ता वास्ता पार्टी वार्टी की थी, उसके बाद घर आ गए थे, और आज शाम को तो घर में बैठे पलाठी क्या बोलते हैं, आज हम घर में बैठे पलाठी मार के। ये देखिए सफ़ेद इदड़ा ढोकड़ा, इसके ऊपर मसाला डाल दिया गया है, और तैयारी चल रही है मस्त खाने की, और ये डाला पानी ताकि वो गरम स्टीम से लाइट ढोकला बने, और यहाँ पे ऑलरेडी वो फ्राई करके रखी है राई, क्या ये वाली डॉल, सो मेरी वाइफ अभी खाना बना रही है, तो मैं नीचे आ गया था वीडियो एडिटिंग करने के लिए, तो चलो अभी मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट डिनर का वीडियो बताऊंगा, ओके। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो हेलो गाइस, फाइनली हमारा डिनर रेडी हो चुका है यहाँ पे। तो अभी मैं ब्लॉग बनाना भूल गया था, तो मम्मी ने मेरे को सडनली याद दिलाया कि वो ब्लॉग नहीं बनाना, और वो टीवी में भी देखिए, और अरे वो क्या फ्राई कर रहे हैं, टेक केकड़ा फ्राई कर रहे हैं वो लोग, और यहाँ पे मेरी वाइफ सबका खाना निकाल रही है, और ये रही मेरी डिश, पापड़ है, ढोकड़ा है, इदड़ा है, खिचड़ी है, प्याज है, कोपरे की चटनी है, वाह मज़ा आ गया आज तक खाने में, क्या कौन सी चटनी, लहसुन वाली चटनी, स्पाइसी चटनी, अच्छा अच्छा, तो खाना ना बैठू क्या, चलिए भाई खाना शुरू करते हैं। गाइस ये चेकआउट किया चनिया चोली, तो लगता है मेरे को अभी अंदर जाना पड़ेगा चनिया चोली देखने के लिए, थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ मैं भी मेरी वाइफ को, अच्छी पसंद आएगी तो ले लेंगे, बाकी कैंसिल।